अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज हम लोग जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ, पिकनिक पे जा रहे थे हम लोग अपनी फैमिली के साथ विलेज। ये था जी आज का मेरा लुक। और यहाँ हम लोग सब वेट कर रहे थे अपने कज़न्स का, और भी कज़न्स हमारे साथ जा रहे थे। सब लोग आ गए थे हमारे घर पर। ये था जी हमारे पिकनिक का कुछ सामान। हमने लंच अपने साथ ही लिया था, कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें ली थी। अब बस जी हम लोग निकल रहे थे। ये जी हम सब बैठ रहे थे अब अपनी गाड़ी में, और चलें जी हमारा ये खूबसूरत सा सफ़र स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो रहा था आज का, ठंडी हवा चल रही थी। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा वेदर हो रहा है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक का हमारा ये विलेज का सफ़र था। यहाँ पर जो हमारा आधा सफ़र हो चुका था, ये मीरपुर खास का मोटरवे स्टार्ट हो गया था। और ये जी मीरपुर खास का टूल हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रोड थी यहाँ की, आप देख सकते हैं। इसके बाद जी हमारा दोबारा से ये विलेज का सफ़र स्टार्ट हो चुका था। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी, इतना खूबसूरत माहौल था यहाँ का। ये देखें खेत, हर तरफ खेत हरियाली, और मौसम भी इतना ज़बरदस्त हो रहा था। अब जी हम यहाँ पे विलेज के अंदर जहाँ हम आए थे वहाँ पर एंटर हो चुके थे। बहुत ही पीसफुल माहौल था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हर तरफ हरियाली हरियाली थी। मज़ा आ गया था यार ये मतलब नज़ारा देखकर। और यहाँ पर जी पंप लगा हुआ था जहाँ से बच्चों ने अपने हाथ मुँह वगैरह धोए। यहाँ पर भाई मैंने भी ये ट्राई किया, बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन गई थी। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इन्जॉय किया यहाँ पर रुककर। मज़ा आया था यार, वैसे विलेज की लाइफ जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। यहाँ पर भी हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। और यहाँ जी हम लोग पहुँच गए थे फार्म पर जहाँ पर हम लोग आए थे। ये जी यहाँ पे आम के बागात थे, केले वगैरह के दरख्त भी लगे हुए थे बहुत ही। और ये वो जगह थी जहाँ पर हम लोग आए थे, बहुत ही प्यारा सा ये फार्म बना हुआ था जहाँ पर ये ट्यूबवेल भी था। फुल मतलब यार गांव का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर जी ट्यूबवेल थी, यहाँ पे सब ट्राई कर रहे थे इसका पानी। बहुत ही साफ़ सुथरा पानी था और इतना ठंडा पानी था यार। बस जी यहाँ पर हम लोग सब आराम से बैठ गए थे, अपना सामान वगैरह रखा। और बच्चे जी इतने एक्साइटेड थे ट्यूबवेल को देख कर, जल्दी से वहाँ पर जाकर बैठ गए थे सब ने। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया था। और यहाँ पर हम लोग भी सब लोग बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे अपना अपना। बच्चों को सीढ़ियों पे बिठा रहे हैं, नहीं गिले हो जाएंगे बस ये। और यहाँ जी हम लोग सब भी ट्यूबवेल के अंदर आ गए थे। बहुत ही ज़्यादा सब ने इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया हम सब लोगों को। इतना साफ़ सुथरा ट्यूबवेल का पानी था और इतना ठंडा पानी था, मज़ा आ गया सब। बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने। एंड तक किसी का बाहर आने का दिल ही नहीं था भाई, बच्चे तो इस तरीके से इन्जॉय कर रहे थे, इतना मज़ा आया सब लोगों को।
सब लोगों ने मिलके इतना खेला, इतना एंजॉय किया, किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था निकलने का बाहर। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद सब लोग बाहर आ गए थे ट्यूबवेल से, फिर हमने यहाँ पे बैठ के खाना खाया। खाना हम लोग घर से ही लेकर आए थे, बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस और बाकी और रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें थी जो बच्चों ने पहले ही खा ली थी। इसके बाद जी हम लोग यहाँ से बाहर आ गए थे वॉक के लिए। विजिट पूरा विलेज हमने फिर विजिट किया। इसके बाद जी यहाँ पे मेरा भाई गाय को प्यार करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। अंकल ने कहा कि बेटा बिल्कुल दूर दूर से ही इसको प्यार करना, कहीं नुकसान ना पहुँचा दे आपको। बस जी फिर हम लोगों ने ये पूरा विलेज विज़िट किया। जहाँ जहाँ पर भी हमें अच्छा स्पॉट नज़र आ रहा था वहाँ पर हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। वहाँ पर नहीं, वहाँ पर भी लग रहा है। देखो वो रे, मैं बना के लाती हूँ। यहाँ से दिख रहा है, ये रे। अंदर नहीं जाना। कहाँ चला? यहाँ से बिल्कुल करीब दिखेंगे। ये रे बेटा, ये रे सामने। कहाँ? करीब दिख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ। ये टेनी री, वो टेनी री। अरे कितना बड़ा लीफ। यहाँ पे ये केले के दरख्त लगे हुए थे, एक तरफ केले के दरख्त थे, दूसरी तरफ जो है वो आम के पेड़ लगे हुए थे। इसके बाद जी मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा कि चलो जी मुझे भी थोड़ा सा व्लॉग में ले लो। फिर यहाँ पर और मेरी एक कज़न भी आ गई थी साथ में, दोनों जो है वो वॉक कर रही थी और बाकी सब लोग भी यहाँ पर वॉक कर रहे थे। यहाँ पर जी मैं भी इनके साथ आ गई थी। यहाँ जी बच्चे भी हमारे साथ आ गए थे। और जी यहाँ पर हमने खूब सारी सेल्फीज़ वगैरह भी ली, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आ रही थी क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी थी। और ये दोनों थी भाई मेरी कज़न्स। बस जी फिर हम लोग वापस फार्म आ गए थे। ये देखें जी यहाँ पे ये देसी मुर्गियाँ थी और इनके साथ ये इनके बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, इतने क्यूट से। विलेज लाइफ यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। हर चीज़ आपको नेचुरल, हर चीज़ आपको नेचुरल यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हमने बस ये चेंज कर लिया था। चेंज करने के बाद बस जी हमारा अब ये वापसी का सफ़र था। अब जी बस हम यहाँ से निकल रहे थे सब लोग। बच्चों का तो भी यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था, सबको है ना पकड़ पकड़ के हमने बिठाया भाई गाड़ी में, चलो अब वापसी का सफ़र था ये हमारा। और यहाँ पर जी हम लोग एक जगह रुक गए थे, पता नहीं किसी चीज़ का प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था आगे, तो बिल्कुल ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। फिर हमने यहाँ पे हमें तो तकरीबन आधे घंटे हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा। ये देखें जी केले, आधे घंटे हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया। ये मेरी सिस्टर जो है गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो गई थी। और यहाँ जी फिर हम लोग एक होटल पे रुके थे क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे। चाय पीने के लिए यहाँ पर हम रुके थे। चाय जो है यहाँ की बहुत ही ज़्यादा यार मज़ेदार थी। इसके बाद जी हम लोग ये बच्चों को चीज़ें वगैरह लेनी थी, लेज़ यहाँ से लेनी थी और कुछ आइसक्रीम, और भी बच्चों ने बहुत सी यहाँ से चीज़ें ली। यहाँ पर एक मार्ट था। फिर जो है हम बस यहाँ ये घर की तरफ निकलने ही लगे थे। आइसक्रीम वगैरह हमने भी यहाँ पर इंजॉय कर ली थी थोड़ी सी। चलें जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस व्लॉग वीडियो। अगर आपको मेरी ये विलेज जर्नी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।